नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे रोहित शर्मा की और उनके स्टेटमेंट की। रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है। अभी रिसेंटली वो मुंबई में थे और मुंबई में उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लग रहा है कि जब वर्ल्ड कप मैंने जीता तो मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जीतना हमारा शुरू से एक लक्ष्य था और जब मैंने वर्ल्ड कप जीता तो ऐसा लगा कि एक नया जीवन मिल गया है। अब अगर रोहित शर्मा की बात करें तो 2023 19 नवंबर की वो रात कौन भूल सकता है। रोहित शर्मा उस टीम के कप्तान थे। टीम इंडिया फाइनल में खेल रही थी अगेंस्ट दी ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर जब सबको लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतेगी, क्योंकि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए आए थे, आपने ऑस्ट्रेलिया को भी वहाँ पर हराया हुआ था, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब आप फाइनल में आए तो आपके ऊपर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से भारी थी, विद द बॉल विद द बैट दोनों तरीके से, और वहाँ पर आप मुकाबला हार गए। इसके बाद रोहित बहुत निराश नज़र आए। बहुत टाइम तक तो वो बाहर नहीं निकले घरों से, मतलब लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, सिर्फ अपने घर के अंदर थे। वो हार बहुत चुभी थी रोहित शर्मा को, लेकिन उसके बाद अगले साल वो 29 जून कौन भूल सकता है, जहां पर टीम इंडिया ने वो फाइनल उठाया किसके अगेंस्ट, अफ्रीका के अगेंस्ट, वो भी एक हारा हुआ फाइनल जब आपको सिर्फ 30 गेंदों पर 30 रन बनाने हो अफ्रीका को और जहां पर एक सेट बैट्समैन डेविड मिलर जैसा बल्लेबाज खेल रहा हो, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि टीम हार सकती है अफ्रीका की, और वहां पर क्लैसन भी मौजूद थे, लेकिन वहां से टीम इंडिया ने जीता। और उसके बाद रोहित शर्मा जो कल मुंबई में थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वर्ल्ड कप जीतना हमारा शुरू से लक्ष्य था और वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जीवन मिल गया। अब बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने ये भी कहा आगे कि वैसे तो मुझे मराठी बोलना नहीं आता लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो ये जो शब्द बोले थे उन्होंने, ये मराठी में बोले थे। और इसके बाद जब आप देखोगे तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं जल्दी यहाँ पर अपनी नई अकेडमी खोलने जा रहा हूँ, यानी बहुत जल्दी आप रोहित शर्मा की एक अकेडमी भी देखोगे, क्रिकेट अकेडमी जो मुंबई में खोलने जा रहे हैं। और इसके बाद जो नए नए टैलेंट होंगे वो आपको और निकलते हुए नज़र आएंगे रोहित शर्मा की अकेडमी से भी, जो वैसे भी मुंबई से बहुत क्रिकेटर निकलते हैं हमने देखा है, और अब उसमें रोहित शर्मा की अकेडमी में के भी शायद कुछ बच्चे आपको खेलते हुए नज़र आएंगे।